हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 2.5। क्वेश्चन नंबर 5वां है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि प्रसार निकालना था तो वो बंद था, अब इसको ओपन कर दिया यानी खोल दिया है, तो ये इस रूप में आ गया है। तो हम सरसम का कौन सी पढ़ी है, x + y + z बराबर सरसम का हमने पढ़ी है, कौन सी सरसम का कौन सी पढ़ी है, x + y + z का होल स्क्वायर पढ़ा है हमने, क्या x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, यही तो हमने पढ़ा है। अब पहले इस फॉर्म में था तो इसमें खोलना था, अब इस फॉर्म में इसमें बंद करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x है तो 4x को हम क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस 9y को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, इसी प्रकार 4, 16 का एक वर्ग होता है 4 का, 4z का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस। अब यहाँ से नहीं देखना है, यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, क्या होगा 2xy लिखना है, तो 2 तो x का मान हमारा अगर आ रहा है तो इसी से निकलेगा, तो 2x हमारा ये आ जाएगा 2x, ठीक है, यानी 2yz आता है यहाँ पे, तो x हो गया, ये y हो गया, तो y क्या है 3yxy, ठीक है, प्लस 2yz, तो y क्या है 3yz 4z, ठीक है, प्लस 2zx होता है, तो z क्या है 4z, x क्या है 2x, ठीक। अब इसमें हम मिला देख लेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 12xy आ रहा है, सही है, 3 × 2 = 6 6 × 2 = 24, 24yz आ रहा है, सही है, ठीक है, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 16xz आ रहा है, तो xz आ रहा है, ठीक है। अब अंतर कितना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ सभी जगह प्लस है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ माइनस है उसमें जो कॉमा होगा, इसमें इन दो पद में कौन सा कॉमा है, वाई नहीं जेड और जेड कॉमा है, ठीक है, ये देखना है, जिसमें अगर माइनस है तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों पदों में जो कॉमा होगा तो उसी में हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो इसमें क्या है जेड कॉमा है, जहाँ जहाँ जेड होगा वहाँ हम माइनस लगा देंगे, जैसे 4z है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, इसमें कहीं और कहीं जेड है, इसमें यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक। तो अब हमारा अगर हम ओपन भी करेंगे तो ये आएगा, अब यहाँ पे है 4 × 3 = 12 × 2 = 24, तो क्या आएगा माइनस का yz आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16, तो यहाँ माइनस का जेड है तो माइनस का 16zx यही आ जाएगा खोलने में, ठीक। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर समक हमने पढ़ी है ये वाली, तो इसको हम जब ओपन ये है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो x हमारा क्या है 2x है, 2x, y क्या है 3y है, z क्या है माइनस का 4z है, याद रखना माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2x² + y² + 8z² + -2√xy + 4√2yz - 8xz, इसको हमको गुणनखंड करना है। तो हमने पिछली सरसों का पढ़ी थी, कौन सी, ये x + y + z² बराबर क्या था, x² y² + z² इस फॉर्म में हमको खुला है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें हमको बंद करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो पहले तो हमको ये याद रखना है, ठीक है, कौन सा 2x² + y² 8z², तो 8 को हम वर्ग करेंगे, तो हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ये याद रखना है, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2² इसको हम खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, इसका रूट क्या आ जाएगा, √2² 2 ही आएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे सरसमीकरण के रूप में, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग है तो इसको हम √2x लिख देंगे, खोलने पे यही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार y² ले लेंगे प्लस 8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2 और z² ठीक है, प्लस अब हमको क्या लिखना है, 2xy लिखना है, तो हम ये आगे से ही ले लेंगे, क्या लिखेंगे, √2xy क्या है, y ही है, प्लस 2yz लिखना है, तो y ही है, z में क्या है, 2√2z ठीक है, प्लस 2yz नहीं zx, तो 2z कितना है, z हमारा ये है 2√2z, x कितना है √2x, ठीक। अब हमने क्या बताया था, इसको हम देख भी ले सकते हैं, इसको सॉल्व खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√x² y² इसको हम खोलेंगे तो 8z², इसी प्रकार हम खोलेंगे कितना आ जाएगा, 2√xy आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार इसको खोलेंगे 2 × 2 = 4, 4√yz आ जाएगा, yz, ठीक, इसी प्रकार इसको खोलेंगे 2 × 2 = 4, √2 √2 गुणोंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8z, यही आ जाएगा। अब खाली इतना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, जिसमें हम ये देखेंगे कॉमा क्या है, जिसमें कौन सा पद कॉमा है, एक्स दिख रहा है, एक्स इसमें भी एक्स है, यही कॉमा है, तो हम किस में माइनस चिन्ह लगाएंगे, खाली एक्स वाले पद में, इसमें भी एक्स माइनस लग जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स होगा इसमें भी माइनस लग जाएगा, और कहीं एक्स है इसमें भी है तो यहाँ भी एक्स लग जाएगा, ठीक, माइनस का चिन्ह, तो अब हम कितना आ जाएगा, अब खोलेंगे जैसे ये वाला पद भी माइनस का हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2√2 √2 तो 2 का 8 नहीं, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, √2 √2 को 2 आ जाएगा, तो zx माइनस का आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये प्लस कराइए, इसमें माइनस का आ जाएगा, 2 × 2 = 4 नहीं, 2√2x - y xy, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये खुले में है तो हम बंद में लिख देंगे, -√2x + y + z कितना है, 2√2z² यही हमारा आंसर आ जाएगा।